फर्स्ट कार। वैसे मैं गाड़ी देखने में बहुत अच्छी है। मैं बोल रही हूँ अपनी गाड़ी है गाइस, फाइनली राहुल बुक करके। इसको अभी उड़ाएगी कि उड़ेगी वो पता नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग का पूरी छनाई हवाई। अभी बता दो बज गए सुबह के 4:30। लोग कितने बजे से लगते हैं? 3 बजे से। बाप रे बाप, भाई साहब बताओ। और इन लोग से हाँ क्या मैं होने आ गया। इन लोग से गैस का बाटला नहीं लग रहा था, पूरा छीछा लेदर कर दिए उठा के। छनाई हो रहा है यहाँ पे, निकाल के रखा ही हो रहा है। करंजी भी होना मुझे खाएगा। करंजी करंजी गुड़ वाली करंजी बनी है। बन चुका है, वाओ। यहाँ पे बन रहा है सूजी, यहाँ पे पूरी, यहाँ पे हमारे देवी देवता हलवा। अच्छा हलवा बन रहा है, देवी माई का हलवा। लेकिन ये तो सूजी है ना, लपसी, सॉरी लपसी, मैं भूल गया, मैं सूजी बोल रहा था। जैसे किचन में तीनों लोग स्ट्रगल मार रहे हैं। जय हो शीतला माई, हे देवी माँ। सो गया क्या? बेचारे को गैस लगाने के लिए उठा दिया, तब से सोया ही नहीं, उसको नींद ही नहीं आ रही। हम लोग का सब काम वाम हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है। दिखाया ना तूने क्या क्या बनाया कल शाद में? वो प्लेट दिखाया ना जो चढ़ाया मम्मी ने, वो सब हो गया। अभी सुबह सुबह मेरी मम्मी का भी फोन आया था, उनके यहाँ पे भी सब हो गया। अभी देखते आगे क्या है। आज रामनवमी है, सो हैप्पी रामनवमी सबको। नहा धो के बोलेंगे जय श्री राम। मैं तो नहा धो ली हूँ ना। सो वेल गाइस, अभी ना मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी के अंगूठे में कुछ तो हो गया और दुख रहा है, उठ नहीं रहा है मम्मी का अंगूठा। मम्मी क्या हुआ, दिखा क्या हो गया? पता नहीं, मम्मी को भी पता नहीं क्या हुआ। ऐसे उंगली फोड़ देना फटाक से। ना फूटा था, एक्सरे निकाला था क्या? अरे चढ़ गया। तो भाई साहब आए थे केम हॉस्पिटल, यहाँ पे बंद है, सुबह बुलाया है 8 बजे। तो अभी कल सुबह 8 बजे आएंगे, देखते हैं। ऑर्थो को दिखाना पड़ेगा। कल गया था डॉक्टर के पास तो कल नहीं हो पाया था, तो अभी जाके आया। मम्मी का जो अंगूठा था ना वो टूट गया है, पूरा टूट गया। ये बोलेगा तो झूठ बोलेगा, करवा दिया क्या? झूठ बोलेगा। तो ये आ गया मम्मी का एक्सरे। वो था तो मम्मी को चूड़ी पहना रहे थे, तो मम्मी ऐसे बैठ, तुम इधर वाला हाथ मैं पकड़ी थी, इधर वाला हाथ मनीषा, अब ऐसे जने ये वाले मनीषा वाले और ये ना मम्मी ने बोला मनीषा धीरे कर धीरे कर, चुप रहे करी और चढ़ से की जो है तभी है। हाँ उसी का है, तब क्या दिखाने लायक भी नहीं बची है, डर जाएगा। मास्क लगाई मुंह दिखाने लायक नहीं। क्या बोला? पर ये देखो टूट गया है, बोला ये उंगली उंगली निकालना पड़ेगा बोला है। हाँ मम्मी कैसे सेका दवाई दे, मला सेका। तो ठीक है, रिपोर्ट एक्सरे निकाला है तो कुछ हुआ नहीं है, बस खाली सोलन हुआ है, मुक्का मार। हाँ सोलन हो गया है, सोलन वैली में। तो ठीक है सब कुछ, चलो अभी तेल वेल दिया, दवा हुआ, मालिश वालिश करने के लिए। नहीं टॉयलेट था ये, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ ना, ये तो ठीक है। ये ठीक है, ये क्या बोला? ब्यूटीफुल। अभी मैंने गाड़ी यहाँ पे ड्राइव कर ली, आज का क्लास खत्म, मैं जा रही हूँ घर पे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट में जरूर बताना।
अभी मुझे ना राहुल पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। अरे रे बहुत दिक्कत है यार, बताओ गाड़ी के अंदर तक नहीं जा सकते गाड़ी निकालने के लिए। यहाँ पे इतना सा स्पेस है, मेरा पति इतना मोटा है, सोचो इतने से स्पेस में इतना बड़ा आदमी कैसे जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2EA 4-wheeler पार्किंग ओनली, नो 2-wheeler पार्किंग। बट आप देखोगे गाड़ी के सामने गाड़ी, और ये ऐसी हरकत कौन करता है भाई। जब हमारी गाड़ी निकालनी होती है ना तो पहले यहाँ सारा स्पेस क्लियर करो और फिर अपनी गाड़ी निकालो, तो बहुत परेशानी है यार पार्किंग का यहाँ पे, तो दिमाग खराब होता है, इसलिए हम लोग बहुत कम गाड़ी निकालते हैं। तो आज पता नहीं कहाँ लेकर चल रहे हैं मुझे गाड़ी निकाल के। गाड़ी पे तो धूल मिट्टी बैठ रही है। अच्छे से साफ करो ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइवर जस्ट क्लीन इट प्रॉपरली यार, ड्राइवर ड्राइवर अच्छे से साफ करो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं इधर उधर, पता नहीं किधर, पता नहीं किधर, इसको पता है मुझे नहीं, इसको पता नहीं पता कहाँ है, लेके जा रहा हूँ क्या है। हाँ। तो अभी मैं आगे इसको बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या करने। अच्छे से तैयार होने एकदम टकाटक, एकदम टकाटक। हम लोग बहुत बकवास मानते हैं, बोलते हैं कि हम ग्रैंड विटारा लेने हैं, और मेरे को यहाँ पे नेक्सा के शोरूम में लाए, बोल रहे हैं ये अपनी गाड़ी है, और हम लोग यहाँ से लेके, और मुझे भगा रहा है वहाँ से कब से, और खुद एक मतलब मैनेजर है उनके साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये लड़का ना सरप्राइज के नाम पे ना हार्ट अटैक देते हैं सीरियसली। यहाँ पे मुझे लेकर आया है शोरूम में नेक्सा के, और बुक कर दिए जिमनी का भाई, जिमनी। अब ये मेरे को गाड़ियों का इतना नॉलेज नहीं है तो मेरे को नहीं पता, और यहाँ पे देखो महाशय की बुकिंग भी ऑलमोस्ट होने आई है। तो ये मुझे ना इतना मतलब घर पे पिटाई करवाऊंगी मैं, सच्ची बोल रही, मजाक नहीं कर रही। घूमोगे तो तुम भी साथ में बैठ के। अच्छा अच्छा मैं अकेले ही घूमूंगी है ना। वैसे गाड़ी देखने में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इसका कलर है ना एक्चुअली, ये मैंने ना मैंने मेरे लिए नहीं लिए, स्पेशल इसके लिए ली है, क्योंकि देखो ना इस ये सब मेरे लिए लेता है, कुछ नहीं लेता। हाँ सब खाली बीवी, भाई बीवी खुश तो पति भी खुश ना। गाड़ी तेरे पे काफी अच्छी लगी बताएगा। अभी वैसे सीख लिए मैडम गाड़ी चलाना, तो भाई इसको अभी उड़ाएगी कि उड़ेगी वो पता नहीं, चलाएगी चुपचाप चलाएगी। फाइनली साइन कर रहा है और पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। बेचारे को अक्यूज में डाल रहे हैं, पढ़ लो ना पढ़ लो, उन्होंने मना नहीं किया पढ़ने से, पढ़ सकते हो राहुल बुक करके निकल चुका है हमारी फर्स्ट कार। फाइनली हम लोगों ने बुक कर लिया भाई, बहुत ज्यादा खुश है। मैं तो थोड़ा स्टार्टिंग में बोल रही थी क्या कर रहे क्या कर रहे, फिर बाद में जब पता चला ऐसा कुछ है, तो क्योंकि ना फर्स्ट कार होती है, और नई कार खुद की तो अलग होती है, ये भी हमारी फर्स्ट कार है, लेकिन ये बाद में बताते हैं। तो चलो अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। गाइस मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, सीरियसली मत ना राहुल यार, मेरी बीवी रोने लगी, रोते रहती है जब देखो तो। मैं यार अब मैं क्या करूँ, मेरे इमोशंस है ना बाहर आ जाते हैं, लेडीज है, वुमन रोती भी है भाई साहब, मैं उसके लिए नहीं बोलता, लेकिन मेरे इमोशंस है तो ऐसे बाहर आ जाते, चाहे मेरे को दुख हो सुख हो, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं इतनी ज्यादा खुश हूं, हमने हमारी पहली खुद की गाड़ी बुक कर ली, और मैं बस वेट कर रही हूं। ये जो है ये भी हमारी खुद की गाड़ी है जिसमें हम बैठे हुए अभी फिलहाल, लेकिन ये थी सेकंड हैंड हमने खरीदी थी, क्योंकि हम दोनों को चलाने नहीं आता था, तो हम बोले कि इस गाड़ी में सीखेंगे, क्योंकि कहीं भी ठुके ठके, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल नई जैसी थी एकदम, जिस भाई बंधु को नहीं पता है तो बता देते हैं। हाँ, एकदम नई जैसी थी, और मैंने इन लोग को भी नहीं बताया था कि नई है कि क्या है, मेरे को तो पता भी नहीं था गाड़ी लेने वाला है, और मैं ड्राइविंग क्लास जाने वाली, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, मतलब मेरे डैड मेरे को जब सिखाते थे ना तो मैं ऐसे सोचती थी हाँ ठीक है सीख लूंगी, बट कभी सोचा नहीं था कि हम कभी आगे जाके गाड़ी लेंगे। सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, थैंक यू। और इसीलिए ऐसे सब चीजें जो मैं बोलती ना तो मैं अपने आप में इमोशनल हो जाती हूं। मत रो बाबू, तुम मत रो ना, मत मेरा मेकअप खराब बुमन। गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और ऐसे प्यार बरसाते रहना, लव यू ऑल, बाय। आप लोग के साथ शेयर करने के लिए इतना कुछ है ना, मतलब अभी हम लोग थोड़ा टाइट चल रहे हैं, लेकिन जल्दी ना आप लोगों के पास एक और खुशखबरी आने वाली है, तो अभी एक और आने वाली है। So stay